अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मुजाहिद रहमान प्रॉपर्टी नेटवर्क के प्लेटफॉर्म से। आज का मेरा टॉपिक बैरिया टाउन कराची के ऊपर, मिडवे कमर्शियल जो कि बैरिया टाउन कराची का एक प्राइम और हॉट लोकेशन कंसीडर की जाती है। स्पेसिफिक अगर हम इसकी रियल स्टेट में बात करें तो इस टाइम आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मैं बैरिया टाउन कराची के मिडवे कमर्शियल के ऊपर इस वक्त अवेलेबल हूँ। और ये वो पॉइंट है जहाँ से आप मिडवे बी के लिए टर्न करते हो। इस वक्त अगर हम इस लोकेशन की बात करें तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं अगर इसको मेन गेट से देखूं, तकरीबन ये 5 से 6 किलोमीटर की ड्राइव डिस्टेंस पे मिडवे कमर्शियल बी की लोकेशन कंसीडर की जाती है। सेकेंडली, यहाँ पे बेसिकली मिडवे कमर्शियल के ऊपर कमर्शियल के प्लॉट्स को लॉन्च किया गया था, जिसके ऊपर आप ग्राउंड प्लस 6 के साथ कंस्ट्रक्शन यहाँ पे करवा सकते हो। इस टाइम ये वीडियो बनाने का मकसद उन क्लाइंट्स के लिए है जो कि इन फ्यूचर यहाँ पे रियल स्टेट का बिज़नेस करना चाह रहे हैं, और वो क्लाइंट्स जो कि यहाँ पे किसी भी किस्म की शॉप्स को परचेस करना चाह रहे हैं ग्राउंड फ्लोर पे, या कोई भी प्लॉट के ऊपर अपनी कंस्ट्रक्शन करवाना चाहें, तो उनके लिए इस टाइम बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इस टाइम मिडवे कमर्शियल बी का जो रेट चल रहा है, तकरीबन 4 करोड़ से लेके 5.5 करोड़ के अंदर इसके रेट्स फॉल कर रहे हैं। और यहाँ पे इस वक्त अगर हम बात करें कि इस वक्त किस हद तक यहाँ पे ट्रैफिक आ चुका है और कौन कौन से बैरिया के अंदर ब्रांड्स हैं जो मिडवे कमर्शियल के ऊपर इस टाइम फंक्शनल हैं, उसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल OPTP है, जो कि बहुत एक फेमस ब्रांड है फ़ास्ट फूड में, वो यहाँ पे अवेलेबल है। मास्टर फोम्स वाले आ चुके हैं और डिफरेंट मास्टर टाइल्स वाले आ चुके हैं। डिफरेंट नंबर ऑफ़ ऐसे मतलब ब्रांड्स हैं जो कि यहाँ पे इस वक्त अवेलेबल हैं। और इन फ्यूचर सुनने में आ रहा है कि जो लकी वन मॉल है, वो भी जो बैरिया टाउन की पुरानी बिल्डिंग है, वो मिडवे के ऊपर है बी पे, वो यहाँ पे शिफ्ट किया जा रहा है। तो इससे क्या होगा, बैरिया टाउन कराची में मिडवे कमर्शियल के जो रेट्स हैं उसमें खातिर तो मतलब इंक्रीज़ होंगे। और दूसरी चीज़, ऐसे क्लाइंट जो कि यहाँ पेयर प्लॉट लें, तो उसके ऊपर ग्राउंड प्लस 8 की कंस्ट्रक्शन अलाउ है बैरिया की तरफ से। और वो क्लाइंट्स, अगर कोई क्लाइंट सिंगल इसके ऊपर प्लॉट पे कंस्ट्रक्शन करना चाहे, तो बैरिया की तरफ से जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो ग्राउंड प्लस 6 की है। आप अगर मेरे पीछे इस वक्त बिल्डिंग्स को देखें, तो ये आप लोग देख सकते हैं रहमत वाला प्रॉपर्टीज़ कोसमोस रियल्टर्स की एक बिल्डिंग स्टैंडर्ड खड़ी हुई है। अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करूँ तो आपको काफ़ी हद तक क्लियर भी नज़र आएगी। ये बेसिकली उन डेवलपर्स की बिल्डिंग है जो कि ग्राउंड प्लस 6 की यहाँ पे बना दी गई थी। और यहाँ पे इस वक्त इस तरह का इन बिल्डिंग्स का स्टैंडर्ड है, जो भी आपको ग्रे स्ट्रक्चर्स की यहाँ पे बिल्डिंग नज़र आ रही हैं, उनका टोटली स्टैंडर्ड इस तरह का होगा। टोटली बैरिया ने जो स्टैंडर्ड बनाया है, वो इसी तरह का मिरर, इसी तरह का फ्रंट एलिवेशन स्टैंडर्ड के साथ इसको स्ट्रक्चर को लॉन्च किया गया था। फर्दर अगर हम इसकी ओवरऑल बात करें, तो मिडवे बी के ऊपर जो कमर्शियल ये दिया गया था, ये बहुत हॉट प्राइम लोकेशन के साथ कंसीडर किया गया था। बहुत तेज़ी से यहाँ पे कराची का डेवलपर भी आ रहा है, और ओवरऑल जो इन्वेस्टर हैं वो मिडवे बी के ऊपर अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अगर कोई भी ऐसा क्लाइंट जो किसी शॉप्स में इंटरेस्टेड हो, या वो ग्राउंड प्लस 6 के ऊपर अपना एक प्रोजेक्ट बनाना चाहे, कोई प्राइवेट किस्म का या किसी भी किस्म की, अगर वो कि इसके अंदर कोई अपनी इन्फॉर्मेशन लेना चाहे, कोई मिडवे के ऊपर बाइंग करना चाहे, तो वो मुझसे आके कांटेक्ट करें। मैं पहले आप लोगों को इस लोकेशन का विज़िट करवाऊंगा, और साथ में आप लोगों को इसके वाले से जो भी चीज़ें हैं वो गाइडलाइन भी दूंगा। फर्दर किसी भी किस्म की इंक्वायरी के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।